अगर आपका भी हेयर इस तरीके की झड़ चुकी है जैसे कि इस बंदे का देख सकते हैं, भाई आए हैं झारखंड से, जैसे कि इनका क्रॉन एरिया का हेयर बहुत झड़ चुका है, लगभग बहुत बड़ा स्पेस में उनका हेयर गिर चुका है जिसकी वजह से कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैंने इनको हेयर पैच लगाने का एडवाइस दिया। वो एक्चुअली मुझे कॉन्टैक्ट किए यूट्यूब के जरिए, मेरा नंबर उन्हें मिला और वो मेरे पास आए हैं। मैं इनका जो लुक दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कट करूँगा ताकि लुक वाइज भी बहुत अच्छे आएंगे और इनके साइड और बैक से ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, मिड लेंथ का हेयर होगा जिसकी वजह से हेयर लुक देखने में बहुत अच्छे लगने वाले होंगे। आप एंड तक वीडियो देखें और इनका हेयर स्टाइल जो होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इनका हेयर स्टाइलिंग आपको कैसा लग रहा है। तो अगर आप भी हेयर फॉल के हो जाने की वजह से परेशान हैं और आप चाहते हैं अपनी स्टैंडर्ड बढ़ाना, आप अपनी हेयर लुक को और अच्छी करना, या आप कहीं भी जाने आने में अब शर्मिंदगी महसूस करते या कहीं आने जाने से आप कतराते हैं हेयर नहीं होने की वजह से, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है हेयर पैच लगाकर पहले की तरह हेयर स्टाइल करने का, जिसकी वजह से फिर से आप पहले की तरह आप खुशी खुशी कहीं भी जा आ सकेंगे। क्योंकि अगर हेयर स्टाइलिंग ना होना तो फिर लोग कहीं भी जाने आने में अब कतराने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कपड़े जितने अच्छे पहन लें लेकिन अगर सर पे हेयर स्टाइलिंग ना होना तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप से खफा रहते, कह रहे यार अगर हेयर स्टाइलिंग होती तो और अच्छा लगता मैं, है ना। तो ये सारे लोगों के अंदर ये बातें पाई जाती हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं उनका कट कर चुका हूँ, ये पहले का इनका लुक था, लगभग पूरे का जा चुका था। अब ये इनका जो लुक आया है पैच लगाने के बाद, आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट लग रहा बंदा। तो आपको कैसा लग रहा है इनका हेयर स्टाइल आप ज़रूर कमेंट करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।